यार दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी होने वाली है अजमेर रोड के ऊपर लोकेटेड, जो कि मेन रोड पे ही लोकेटेड है और पंचवटी के नाम से पूरे ही टाउनशिप है। मैं आज आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा मकान दिखाऊंगा, सच में बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये मेन अजमेर रोड है, कमला नेहरू नगर जो पुलिया चढ़ रही है उसी से एडजॉइनिंग होते हुए है। कुछ इस तरीके की मेन एंट्रेंस आपको मिल जाती है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इस पूरी ही टाउनशिप के अंदर 30 फीट की जो है रोड होने वाली है, लेकिन मैं आपको जिस जगह पे मैं अपना फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ वहीं पर ओल्ड रोड है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। और यहीं से जो है इसकी मेन एंट्री हो रही है, एंट्री से होते हुए सीधे मैं आपको लेकर के चलूँगा JDA अप्रूव्ड जो है फ्लैट दिखाऊँगा, जो कि यहाँ पर 3 BHK होने वाला है और एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही जो है फ्लैट है, यानी कि बिल्डर फ्लोर पे आपको बना हुआ है, साथ ही पार्क फेसिंग के साथ में आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के फ्लैट की ओर। तो हम लोग फ्लैट की तरफ आ गए हैं। एक बार फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए किस तरीके का फ्रंट एलिवेशन है, और आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया देख लीजिए, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होने वाला है, पूरी तरीके से बसावट है। कोई आपको दिक्कत यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर किसी जंगल के अंदर लेकर के मैं आपको आया हूँ और वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। 3 BHK फ्लैट है जो कि श्री विनायक रेजिडेंसी के नाम से है, जैसे कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा है और कुछ इस तरीके से, और ऊपर से आप देख चुके हैं यहाँ पर इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत सा है। सबके जो वाटर टैंक प्रोविज़न है वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं, 6000 कैपेसिटी के वाटर टैंक प्रोविज़न है, साथ ही एक कवर्ड पार्किंग आपको दी गई है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कार है तो वो भी आप लगा सकते हैं क्योंकि स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। यहीं से आपको लिफ्ट का प्रोविज़न भी दिया गया है। बाहर की साइड में ये देखिए कुछ इस तरीके से पार्किंग का स्पेस आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम जो कि नीचे की साइड में आपको अवेलेबल करवाया गया, जैसे कि सामने की तरफ इधर देख पा रहे हैं आप, और उस साइड में आपको लिफ्ट का प्रोविज़न दिया गया है, ये मिल जाता है आपको लिफ्ट का प्रोविज़न। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली फ्लैट की ओर। तो चलिए, तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली फ्लैट की ओर, और फ्लैट का जो साइज़ होने वाला है वो 1380 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये बना हुआ है। बहुत ही प्यारा साइज़ है, हॉल का साइज़ आप देख लीजिए, बहुत ही डिसेंट साइज़ आपको मिल जाता है। प्राइजेस मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल में समझा सकूं। अगर चाह रहे हैं एक JDA अप्रूव्ड फ्लैट लेना जो कि इतना बड़ा हो, जो कि 1380 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हो, और आपको वहां पर दो जो है बालकनी मिल जाए फ्रंट साइड में और बैक साइड में, और साथ ही आपको पार्क का व्यू मिल जाए और बाहर की साइड में 40 फीट की रोड मिल जाए, तो एक ऐसा ही फ्लैट में लेकर के आया हूँ। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फुल सीलिंग का डिज़ाइन, साथ ही सीलिंग फैन वगैरह जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कंसील लाइट वगैरह, ये सारी ही आपको लगा करके एज इट इज़ दी जाएगी। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वॉलपेपर का प्यारा सा आपको वर्क मिल जाता है। AC का सेपरेट पॉइंट उन सभी जगहों पर अवेलेबल है जिस जगहों पर AC के सेपरेट पॉइंट की आपको नीड है। और मैं आपको बता दूं कनेक्टिविटी यहाँ पर अजमेर रोड है जो कि कमला नेहरू नगर, यहाँ से आप देखेंगे जहाँ से कमला नेहरू नगर चढ़ता है बस जस्ट वहीं पर है केडिया पंचवटी के नाम से ये जो है पूरी ही टाउनशिप है। आसपास में यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सभी आपको जो है आपको बिल्कुल नियर बाय मिल जाते हैं। और अगर आप डिटेल पूर्वक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो है डिटेल्स प्रोवाइड करा दिए, वहाँ जा करके आप सारी ही चीज़ें देख सकते हैं। सामने की साइड में आप वॉश मशीन के साथ में मिरर का स्पेस मिल जाता है, साथ ही कुछ वुडन का आपको यहाँ पर काम करके दिया गया है, जो भी आपका सामान वगैरह हो, पेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। कॉमन बाथरूम यहाँ बाहर की साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है जो कि इस तरफ में आप देख पा रहे हैं। वॉश मशीन यहाँ पर है, वेंटिलेशन का ऑप्शन है, साथ ही शावर एरिया इस साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो ये आपने देखा यहाँ पर इसके कॉमन जो है बाथरूम आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहीं से होते हुए मैं लेकर के चलूँगा आपको इसके किचन की ओर, जो कि काफ़ी बड़ा इसका किचन यहाँ पर आपको दिया गया है। किचन का साइज़ यहाँ पर जो है स्पेसियस है, एल शेप में किचन है। काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेनाइट का वर्क है, सिंक एरिया आ जाता है। ऊपर के साइड में प्रॉपर आपको स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अच्छा किचन से रिलेटेड जो भी सामान है वो रख सकते हैं। नीचे के साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स वगैरह कैबिनेट्स आपको मिल जाती है, स्टेनलेस स्टील का वर्क अंदर के साइड में भी आपको दिया गया है। साथ ही पीछे की साइड में बड़ी सी दो विंडो दी गई है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। हिंडवेयर की चिमनी आपको लगा करके दी गई है। प्राइस मैं आपको इसका बता दूँ 46,90,000 रुपये इसका प्राइस होने वाला है। तो ये मैं आपको प्राइस बता चुका हूँ, JDA अप्रूव्ड फ्लैट है, और ये आ जाता है इसका फ्रंट का फ्लैट। साइड बैक छोड़ करके बनाया है तो कोई प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर तक नहीं आने वाली है। ये इसका जो कि फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है जहाँ पर साथ ही आपको जो है दो बालकनीज है, इस रूम के साथ में भी अटैच बालकनी है। सामने की साइड में वॉलपेपर है, ऊपर की साइड में POP का वर्क है, साथ ही फैन लगा करके दिया गया है। एक वॉल पे आपको मिल जाता है यहाँ पर ये वार्डरोब का स्पेस, जो कि काफ़ी बढ़िया वार्डरोब आपको वुडन की दी गई है। इस साइड में देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविज़न जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अगर मैं बालकनी की बात करूं तो बालकनी का साइज़ लगभग 4 फीट का बालकनी का साइज़ मिल जाता है आपको, और लेंथ वाइज देखेंगे आप तो काफ़ी बड़ा साइज़ आपको दिया गया है। ये देखिए कितना यू साइज़ आपको मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हैं पूरा सराउंडिंग एरिया।
मेन रोड यहाँ से भी आपको शायद दिखाई देगी, जो कि मेन रोड पे ही लोकेटेड है। आप देखिए मेन रोड पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ऐसी एक प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाए 3 BHK का फ्लैट, जो कि 1380 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, और ये मैं जो है और कारपेट एरिया की अगर बात करूँ तो 1022 स्क्वायर फीट के अंदर कारपेट एरिया होने वाला है। मैंने बिल्डअप एरिया आपको बताया, कारपेट एरिया बताया, अभी मैं लेकर के जा रहा हूँ यहाँ पर इसके जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पर। मास्टर बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेसेस यहाँ पर आपको दिया गया है। सामने के साइड में आपको वॉल पे प्यारा सा वॉलपेपर है, ऊपर की तरफ आपको फुल सीलिंग का डिज़ाइन है, साथ ही सीलिंग फैन का ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपको कंसील लाइट लगा करके दी गई है। इस साइड में आपको अटैच बाथरूम दिया गया है, बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी प्यारा मिल जाता है यहाँ पर भी आपको। और यहाँ पर आपको दिया गया है ये वेस्टर्न शीट, साथ ही आपको ऊपर की साइड में आप देखेंगे वहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, सनलाइट प्रॉपर आ रही है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी। एज़ पर वास्तु के हिसाब से पूरा ये बना हुआ है, तो उस प्रकार की भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इस टाउनशिप के अंदर ही आपको जैन मंदिर भी मिल जाता है, बालाजी का मंदिर भी मिल जाता है। तो देखिए अगर आप जैनी हैं और आपको आसपास में ही जैन मंदिर चाहिए तो वो चीज़ भी टाउनशिप के अंदर ही प्रोवाइड कराई गई है। अभी आए थे इसके एक और बड़ा सा बेडरूम का साइज़ भी बहुत स्पेसेस है। सामने की साइड में वार्डरोब है, इस साइड में देखेंगे यहाँ पर बड़ी सी विंडो है, साथ ही इस रूम के साथ में अटैच होते हुए बालकनी आ जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बालकनी दी गई है। फ्रंट फेसिंग में भी बालकनी है, बैक साइड में भी बालकनी है, और जो बैक साइड वाली बालकनी है वो पार्क फेसिंग है, मतलब पार्क को फेस करते हुए है, और ये बड़ी सी बालकनी आ जाती है। पीछे की साइड में पूरा ही आपको ये पार्क डेवलप करके दिया जाएगा, जैसे कि अभी देख रहे हैं ग्रास का काम अभी हुआ ही है और ग्रास अभी डेवलप की जा रही है, तो ये आपके दिया जाएगा। आगे की साइड में ग्रास पूरी डेवलप हो चुकी है, जैसे कि सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आपका एक 3 BHK का 1380 स्क्वायर फीट में बना हुआ फ्लैट, जो कि 3 BHK है, और साथ ही यहाँ पर मैं अगर बताऊँ JDA अप्रूव्ड है, और यहाँ पर 80% लोनेबल है, 20% आपको लेकर के आना है और 80% आपका लोन हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया एक प्रॉपर्टी अगर आपको मैं मेन रोड अजमेर रोड पे दिखा रहा हूँ तो इससे बढ़िया कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। यूनिट्स बहुत ही कम अवेलेबल है, 8 से 10 यूनिट ही अवेलेबल है। अगर आप भी चाह रहे हैं ऐसे ही एक टाउनशिप में, केडिया पंचवटी के नाम से पूरी ही टाउनशिप है, और टाउनशिप के अंदर ये होने वाला है प्रोजेक्ट, जो कि श्री विनायक रेजिडेंसी के नाम से है, जैसे कि आप इस ब्रोशर पे देख पा रहे हैं। पूरा फ्लोर प्लान वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया गया है, किस तरीके का फ्लोर प्लान है मैं आपको डिटेल से एक बार बता देता हूँ। 24 का तो फ्रंट है और 51.6 की यहाँ पर डेप्थ होने वाली है, गहराई होने वाली है, तो आपको प्रॉपर समझ में आ पाएगा। और बहुत ही प्यारा से बना हुआ है, और यहाँ पर जो है 1380 स्क्वायर फीट के अंदर है, और कारपेट एरिया 1022 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर होने वाला है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी प्राइस होने वाली है 46,90,000 रुपये। चाहते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करना तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे होंगे, वहाँ जाकर के डायरेक्टली आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। सभी बैंकों से ईजिली लोन हो जाएगा, और लोन के साथ ही आपको जो है सब्सिडी भी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि 2,67,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर आपको दी गई है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, और डायरेक्टली इसके रूफ पर मैं आपको लेकर के चलूंगा, वहां से आपको आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया दिखाऊंगा। तो चलते हैं इसके रूफ की ओर। तो हम लोग आ गए हैं इसके टेरेस पर, मतलब इसके रूफ पर, और रूफ से मैं यहां से पूरा जयपुर का भ्रमण करा देता हूं आपको यहीं से, और अभी आपको पता चल जाएगा कि AR Homes आपको पागल नहीं बना रहा है, रियली में पूरी ही बसावट है। आप देखिए कितनी बसावट है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए ये देखिए। अजमेर रोड खुद में एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, और चौड़ी चौड़ी ब्रॉड्स रोड्स यहाँ पर आए, और जब बात होती है अजमेर रोड की, जो कि यहाँ पे कमला नेहरू नगर के बहुत ही नियरेस्ट है, तो कहीं पर उसमें शक की बात ही नहीं आती है कि वहाँ पर बसावट ना हो, कि बसावट यहाँ पर आपको पूरी मिलने वाली है। आसपास का आप पूरा सराउंडिंग एरिया देख चुके हैं, किस तरीके का सराउंडिंग एरिया आसपास का होने वाला है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, 46,90,000 रुपये इसका प्राइस होने वाला है, और भी कुछ एमिनिटीज़ जो यहाँ पर आपको डेवलप करके दी जाएगी, केडिया की तरफ से ही डेवलप करके दी जाएगी, क्योंकि केडिया के अंदर ये सारी की सारी आपको चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पर आपको देखिए जिम फैसिलिटी मिल जाएगी, गार्डन एरिया मिल जाएगा, किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा, ओपन बालकनी आपने देखी मैंने आपको दिखाया, और कॉमर्शियल शॉप्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी। जैन मंदिर, बालाजी का मंदिर है यहाँ पर, कवर्ड पार्किंग, एक कवर्ड पार्किंग आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये मैंने आज आपको दिखाया एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैट, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। चाहते हैं परचेज़ करना या विजिट करना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ जाकर के आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, और वहाँ जाकर के जो है विजिट भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।